हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन. माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीए. और यहाँ पे इस ग्रुप में हम डेली 2:30 को लाइव लेक्चर लेते हैं. और अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है इसकी डेफिनेशन कल देखे थे, बट आज फिर से मैं रिपीट कर दूंगा. और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्चुअल में होता क्या है? तो कल हम क्या पढ़े थे, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो हमको पता है जो वर्क डन हम करते हैं दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम DU से डिनोट करते हैं, और वर्क डन के लिए हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, दैट विल बी वर्क डन. तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. ये सबको समझ में आया था कल कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम चेंज वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई? एक ऑब्जेक्ट था, सपोज ये पॉइंट पे था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी PE1. फिर उसको कुछ हाइट पे लेके जाते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है PE2. तो उसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ले जाने तक जो भी वर्क डन करना पड़ा, दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई. अगर इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल हो गई, तो वर्क डन कितना हुआ? कितना वर्क डन हुआ? अगर इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, बाद में उसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 हो गई, कितनी चेंज हुई पोटेंशियल एनर्जी? नहीं समझ में आ रहे? 10. वेरी गुड. तो हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी जितनी चेंज हो रही है उतना वर्क डन हुआ. या हम ये देखेंगे कि मेरे को ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा. तो जितना वर्क डन करना पड़ा उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है. समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहे कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना वर्क डन हुआ है. तो यही हम फाइंड आउट करने वाले हैं. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देन वी विल फाइंड आउट और डिटरमाइन द वर्क डन. मेरे को अगर पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई वो कैलकुलेट करना है. स्लाइड नॉट अवेलेबल, दिख नहीं रही है स्लाइड? ओके. तो अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है कितनी पोटेंशियल, अभी दिख रही है क्या? तो दैट विल बी, आप एक बार एग्जिट होके फिर से लेक्चर में आ जाओ. अविनाश, अविनाश एक बार ऐप से बाहर निकलो, फिर से आ जाओ. और साइड में कोई और ऐप मत चलाओ, सिर्फ नून अकेडमी वाला ऐप को आप ओपन रखो. आप जब स्विच करते हो ना एक ऐप से दूसरे ऐप, तो ये प्रॉब्लम होता है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी DU इज इक्वल टू वर्क डन. अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि वर्क डन कितना हुआ है. तो पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम.
कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं आज, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेरिवेशन आज करने वाले हैं। तो सपोज हम कंसीडर करते हैं, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है। यहाँ पे एक पॉइंट, एक बॉडी है, कितने डिस्टेंस पे है वो बॉडी, दैट बॉडी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ से, इसका डिस्टेंस क्या है, आर है, राइट ये पॉइंट पे है बॉडी, सेंटर ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये पॉइंट पे ना उस पर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट पे उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है एफ जी, एफ जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल, हाँ हाँ ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज एफ जी। स्मॉल एम क्या ले लेते हैं, मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम क्या लेंगे, मास ऑफ द अर्थ। तो ये सिंबल्स की मीनिंग समझ में आ रही है, आर हो जाएगा रेडियस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। गुड आफ्टरनून पवन। हाँ तो सेंटर से जो पोजीशन पे है अभी बॉडी एट प्रेजेंट, हाँ उसको हम आर बोलेंगे, स्मॉल आर। फिर वो पॉइंट पे थी तो उस पे जो फोर्स लग रही थी एफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे जो बॉडी है उसका मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, गेटिंग इट। तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये बॉडी का एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब डी आर, डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया डी आर, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, डी आर की डायरेक्शन अपवर्ड है, और यहाँ पे बॉडी को मैं ऊपर जब लेके गया तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। ये समझ में आ रहा है क्या, जब बॉडी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ कितना डिस्टेंस लेके गया डी आर, तो उस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वर्क डन। और ये वर्क डन कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, जितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये माइनस साइन के साथ लिखते हैं, माइनस साइन के साथ क्यों लिख रहे हैं, वेक्टर एफ एंड वेक्टर डी आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है, हम ये इक्वेशन को निगेटिव साइन के साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, राइट।
गेटिंग इट, तो ये पोटेंशियल, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट पे आने के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर। हाँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ और डी आर अपोजिटली डायरेक्टेड है। अब ये पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा उसको कितने डिस्टेंस तक लेके गए, दैट डिस्टेंस इज आर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ना मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी जो मैं डिस्प्लेसमेंट किया हूँ, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डी आर, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो मेरे को डी डब्ल्यू करना पड़ा, जो भी वर्क डन करना पड़ा डी डब्ल्यू, और वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है ये डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए आया है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है ये डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट करना है आर, कितना डिस्प्लेसमेंट करना है आर, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो मैं देखूंगा इनिशियली उसकी पोजीशन थी आर आई, फाइनल पोजीशन थी आर एफ। यहां पे मैं बना देता हूं, इनिशियल पोजीशन कहां पे थी बॉडी, कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के लिए मेरे को यहां पे एक स्मॉल वर्क डन करना पड़ा था, उसके बाद एक और स्मॉल वर्क डन रहेगा डी डब्ल्यू, उसके बाद एक और स्मॉल वर्क डन। तो ये स्मॉल स्मॉल वर्क डन को क्या करने वाला हूँ मैं, ऐड करते जाऊंगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, स्मॉल स्मॉल वर्क डन को हम ऐड करते जाएंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वो टोटल वर्क डन टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, फ्रॉम आर आई टू आर एफ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। मतलब अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ से मैं इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूँगा, ऐड करना स्टार्ट करूँगा, कहाँ तक, आर एफ तक, फाइनल पॉइंट तक। क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ऑल द स्मॉल स्मॉल एनर्जी, ऑल द स्मॉल स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, dw is equal to du, dw is equal to du, dw is equal to du। तो ये स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, यस और नो। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे हम, हमारे पास du का फॉर्मूला है माइनस एफ जी डी आर, तो आर आई टू आर एफ इज इक्वल टू एफ जी इंटू डी आर। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन अपोजिट है, हमको समझता है कि डायरेक्शन तो अपोजिट है, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, निग्लेक्ट कर दूंगा, निगेटिव साइन को नहीं लिखूंगा। तो ये एफ जी डी आर हो गया। वॉट इज एफ जी, वॉट इज एफ जी, एफ जी है क्या, यहां पे देखो एफ जी की डेफिनेशन लिखे, वॉट इज एफ जी, एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एफ जी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है, कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। डिस्टेंस अभी स्मॉल आर है तो मैं आर स्क्वायर लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ जी की इक्वेशन इनटू डी आर। अच्छा, जब मैं ये पॉइंट से यहाँ तक लेके गया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके गया, तो अर्थ का मास चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? कैपिटल एम चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो मास तो नहीं चेंज होगा, बॉडी का मास भी नहीं चेंज होने वाला। यहाँ पे जो बॉडी स्मॉल एम मास की थी वो भी नहीं चेंज होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ग्रेविट वो भी नहीं, तो ये कांस्टेंट को ना मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लूंगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब इंटीग्रेशन होगा आर आई टू आर एफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है वो, ये समझ में आ रहा है? समझा? ये कांस्टेंट को बाहर ले लिए। अब कांस्टेंट को बाहर लेने के बाद मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम आर आई टू आर एफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं ना यहाँ साइड में इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, आर आई से आर एफ। आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा, आर माइनस टू हो जाएगा क्या? आर माइनस टू होगा ना, स्क्वायर है तो ऊपर माइनस टू। और हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। बट मेरे को इंटीग्रेट क्या करना है, मेरे को आर रेस टू टू डी एक्स इंटीग्रेट करना है। मतलब एक्स की जगह पे आर है, डी आर है, सॉरी एक्स आर डी आर है, यहाँ पे एक्स डी एक्स था, राइट? तो एक्स की जगह पे मेरे पास आर है, एन की जगह पे माइनस टू है, तो मैं क्या करूँगा, आर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन। एन की जगह पे क्या है, माइनस टू, तो मैं एन की जगह पे माइनस टू लिखूंगा। एक्स की जगह पे क्या है, आर है, तो मैं एक्स की जगह पे आर लिखूंगा। माइनस टू प्लस वन आर रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, गेटिंग इट? तो ये माइनस आर रेस टू माइनस वन होगा क्या? तो अब क्या हो जाएगा, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख लेता हूं, जी एम एम माइनस आर रेस टू माइनस वन। लिमिट लिखना पड़ेगा मेरे को इनिशियल टू फाइनल। अब लिमिट पुट करने का मेथड क्या है, तो लिमिट पुट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार आर की जगह अपर लिमिट लिखते हैं, फिर एक बार आर की जगह लोअर लिमिट। माइनस आर एफ रेस टू माइनस वन, माइनस माइनस लगाना है, फिर माइनस आर आई रेस टू माइनस वन। समझ में आ रही है? तो जी एम एम माइनस आर एफ रेस टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस आर आई रेस टू माइनस वन। अब पावर है माइनस वन में, तो उसको डिनोमिनेटर में प्लस वन कर सकते हैं ना। जैसे मैं स्क्वायर को ऊपर लेके गया था, माइनस टू हो गया था, तो माइनस टू अगर रहता नीचे प्लस, तो ऊपर प्लस है, तो मैं माइनस वन अपॉन आर एफ प्लस वन अपॉन आर आई ऐसा डिवीजन में लिख सकते हैं। प्लस वाला मैं पहले लिखूंगा, माइनस वाला मैं बाद में लिखूंगा,
ये जो आर आई है इनिशियल पॉइंट है प्लस के साथ, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जी एम एम 1/RI माइनस 1/RF, गेटिंग इट? दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तुम्हारा फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हम जो वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं वो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक। वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज, नहीं, एस्केप वेलोसिटी नहीं है, इसके बाद आएगा, एस्केप वाला उल्टा रहता है। अभी एट प्रेजेंट वो यहाँ पे है, प्रेजेंट लोकेशन, अभी जहाँ पे अभी पार्टिकल कौन से डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से, कितने डिस्टेंस? इनफाइनाइट डिस्टेंस। कहाँ से मैं ये ऑब्जेक्ट को लाया हूँ? मैं ये ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस के लाया हूँ उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक। तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जो भी वर्क डन लगेगा, दैट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहे? अच्छा, देखो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूले में देखो, आर आई क्या है? इनिशियल डिस्टेंस। आर एफ क्या है? फाइनल डिस्टेंस। हाँ, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है, ये हमको पता है। तो मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ से ला रहा हूँ? मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, अभी जहाँ पे प्रेजेंट है। जैसा अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि एक ऑब्जेक्ट ये पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे है वो अर्थ के सेंटर से, आर, ये पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये फाइंड आउट करना। तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए किए ना, डिस्प्लेसमेंट किए आप? डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या जब आप इन्फिनिटी, आर क्या था? पहला इन्फिनिटी था, इनिशियल पोजिशन, इनिशियल इनिशियली वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, फिर उसको फाइनली आप कहाँ पे लाए, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। तो इन्फिनिटी से प्रेजेंट डिस्टेंस तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना है, डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है?
वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। इन्फिनिटी से उसकी प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से, मतलब इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। फाइनल पॉइंट मतलब उसकी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो। ये समझ में आ रहा है? एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। तो कहाँ से ला रहे हैं? इनिशियली ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कहाँ तक ला रहे हैं? तो मेरे को ये देखना पड़ेगा जहाँ तक ला रहे हैं तो वो कितने डिस्टेंस पे है। तो वो आर डिस्टेंस पे है। तो मैं इनिशियली इन्फिनिटी से लाया तो मैं आर आई इनिशियल पोजिशन इन्फिनिटी लिखूंगा। फाइनल कितने डिस्टेंस पे लाया? आर एफ क्या है? आर डिस्टेंस पे लाया। तो आर डिस्टेंस पे इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ा वो है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो डेल्टा यू हम किए ना फाइंड आउट, जी एम एम इन ब्रैकेट वन अपॉन आर आई माइनस वन अपॉन आर एफ, यहाँ पे आर आई और आर एफ की वैल्यू पुट कर दो। इनिशियली कहाँ से लाए? आर आई क्या है? इन्फिनिटी से लाए क्या इनिशियली? यस और नो? मैं इन्फिनिटी से हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ से लाऊंगा? इन्फिनिटी से। कहाँ तक ला रहे हो? आर तक ला रहे हो क्या? तो फाइनल पोजीशन चेंज होगी। आप ये डिस्टेंस पे लाए या अर्थ की सरफेस पे? जब मैं अर्थ की सरफेस पे ले आऊंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। जब मैं अर्थ के सरफेस पे ले आया तो डिस्टेंस क्या हो गया? कैपिटल आर। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहाँ तक ला रहे हैं? आर डिस्टेंस तक। तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पॉइंट हमेशा आप इन्फिनिटी, ये फिक्स रहने वाला है, ये चेंज होगी। कहाँ तक लेके आए हो? वो बॉडी कहाँ पे है? तो उसकी तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? जी एम एम माइनस वन अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जी एम एम अपॉन आर, माइनस साइन भी लगेगा। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। समझ में आ रहे? समझा क्या? मैं अभी कौन से डिस्टेंस पे लेके आया हूँ? आर डिस्टेंस पे। मैं यहाँ पे नहीं, अगर मैं उसको इन्फिनिटी से अर्थ तक ले आता, मैं कहाँ तक ले आता? इन्फिनिटी से उसको अर्थ के सरफेस पे ले आता, तो अब डिस्टेंस कितना है अर्थ के सेंटर से? इस कैपिटल आर है। तो आप क्या बोलोगे? अब फाइनल वाली लोकेशन क्या है? कैपिटल आर। फाइनल वाली लोकेशन क्या है? कैपिटल आर। तो फिर ये स्मॉल आर की जगह क्या आएगा? कैपिटल आर। ये स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला रहेगा एक इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला रहेगा एक इम्पोर्टेंट। इनिशियल माइनस फाइनल, कहाँ तक लेके आए हो? डिनोमिनेटर में वो डिस्टेंस रहेगा। मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गेटिंग इट। चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्या? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो वॉट इज द, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है क्या हुआ? हिबा नहीं बोल रही है, मोमिन हिबा नहीं, नो क्या? नो देखो क्या लिखा है, वॉट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ 2RE above the surface of earth। अच्छा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम। बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम है, व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम अ हाइट। उसको रेज किए है कहाँ से, फ्रॉम अ हाइट आर ई अबव द अर्थ सरफेस। समझते हैं पहले न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस वगैरह के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल इज वेरी इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम अ हाइट आर ई अबव द अर्थ सरफेस, पार्टिकल ऑलरेडी अर्थ सरफेस के ऊपर आर ई हाइट पे है। पार्टिकल कहाँ पे है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, हाइट पे है, वो कहाँ पे है, हाइट पे है। कितनी हाइट पे है, आर ई हाइट पे है। कहाँ से है वो हाइट, अर्थ के सरफेस से, मतलब ये डिस्टेंस है आर ई, अर्थ सरफेस के ऊपर आर ई हाइट पे है। और उसको कहाँ तक रेस करना है, 5/2 RE तक रेस करना है अबव द अर्थ सरफेस। तो इनिशियली वो ये पॉइंट पे है और मेरे को उसको लेके जाना है अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे, 5/2 RE वाली हाइट। ये जो फाइनल पॉइंट है ये है 5/2 RE, फाइनल हाइट ये है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, आर आई क्या लिखोगे, नहीं डिस्टेंस हमको कहाँ से मेजर करना है। मेरे को डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करना है, तो मैं हमेशा सेंटर से। और ये बोल दिया है कि आर ई और एम ई आर द रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ। तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस है आर ई, सरफेस से कितनी हाइट पे है फिर से आर ई, तो टोटल कितने डिस्टेंस पे है वो। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आर ई प्लस आर ई इज इक्वल टू 2 RE। ये सिर्फ अर्थ सरफेस के बोला, बट हमको सेंटर से देखना है। हाँ अब ये अर्थ सरफेस से 5/2 RE पे था, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो फाइनल पोजीशन के लिए मेरे को ये 5/2 RE में फिर से RE ऐड करना पड़ेगा। समझ रहा है ये, तो 5/2 RE प्लस RE क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये हो जाएगा 7 RE/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये समझ रहा है क्या। मेरे को सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, सेंटर से। अब क्वेश्चन में दिया है कि वो अर्थ सरफेस से हाइट RE पे है और रेडियस भी आर ई है, तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितना हुआ, इनिशियली वो कितने डिस्टेंस पे था। तो इनिशियल डिस्टेंस आर ई प्लस आर ई, फाइनल डिस्टेंस 5 RE प्लस आर ई, तो ये 7/2 RE हो जाएगा। समझ रहे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्रकाश को क्या नहीं समझा, प्रकाश अवस्थी। मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है GMM अपॉन 1/RI प्लस, सॉरी माइनस रहेगा, प्लस नहीं है वो, -1/RF। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है 2 RE, माइनस फाइनल पॉइंट क्या है, 7/2 RE।
डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो जी एम एम वन अपॉन टू आर ई माइनस टू अपॉन सेवन आर ई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, सेवन आर ई यहाँ, टू आर ई यहाँ, तो क्या हो जाएगा, जी एम एम सेवन आर ई माइनस टू यहाँ पे पहले से है, टू आर ई आया, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई टू इंटू सेवन फोर्टीन आर ई स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। हाँ तो ये सेवन आर ई प्लस माइनस फोर आर ई, ये फोर आर ई है ना, तो सेवन आर ई में से फोर आर ई निकाल दो, थ्री आर ई डिवाइडेड बाय फोर्टीन आर ई स्क्वायर। ये एक आर ई और ये एक आर ई कैंसल हो गया, ये हो गया जी एम एम। तो अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा थ्री अपॉन फोर्टीन आर ई, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गेटिंग इट, थ्री अपॉन फोर्टीन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे पास जी एम एम आर ई थ्री बाय फोर्टीन, ये टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो ये फिर यहाँ पे ये आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ये नहीं पढ़ते ना, हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, एम जी एच होता है, तुमको स्कूल में यही फॉर्मूला पढ़ाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, राइट, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, यस और नो, वॉट इज एम, एम क्या है, यहाँ पे स्मॉल एम है, वॉट इज स्मॉल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉट इज जी, जी इज योर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट है ना, हाइट एच है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी कैसे आता है वो बता देते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे, जब वो अर्थ के सरफेस से है तो उसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर से आर है, तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये इससे पहले हम किए हैं, ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस आर पे है तो डिनोमिनेटर में इस कैपिटल आर, डिस्टेंस स्मॉल आर पे है तो फॉर्मूले में स्मॉल आर। तो अभी वो कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे है, अगर अभी वो अर्थ के सरफेस पे है तो वो कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर, तो मैं डिनोमिनेटर में कैपिटल आर लिखूंगा, फिर वो कितने हाइट एच पे गया, कहाँ पे गया, हाइट एच पे, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, अब R प्लस एच, तो अब मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, जी एम एम अपॉन, अब चेंज कितनी हुई पोटेंशियल एनर्जी,
पहले भी उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, बाद में हो गई 20 जूल, कितनी चेंज हुई? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है? माइनस GMM अपॉन R+H, माइनस माइनस इनिशियल GMM अपॉन R, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस GMM अपॉन R+H प्लस GMM अपॉन R, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या करते हैं, कॉमन जो है न्यूमरेटर में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, है ना, न्यूमरेटर में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास? माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, तो वो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, बाद में लिखूंगा जी एम एम अपॉन आर, पहले लिख लूंगा प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, थोड़ा सी रीअरेंज किए है। क्या है कॉमन? तो मैं बोलूंगा जी एम एम कॉमन है 1/r माइनस 1/r+h, ये बच रहे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R+H माइनस R डिवाइडेड बाय R इंटू R+H, ये प्लस R और ये माइनस R कैंसल हो जाता है, तो क्या बचेगा? GMM 1/r R+H, ये बचेगा क्या? और हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ऑन अर्थ सरफेस जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये जी का फॉर्मूला याद है? तो जी एम की इक्वेशन क्या हो जाएगी? जी इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर को जी के साथ लेके चले जाओ, तो जी एम कैन बी रिटन एज जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी एम दिख रहे क्या? तो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज जी आर स्क्वायर इंटू एम इंटू 1/r R+H। गेटिंग इट? ये एक आर और ये एक आर को कैंसिल कर देते हैं, जी आर एम क्या है? जी आर एम डिवाइडेड बाय R+H। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एच इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू आर, आर के कंपैरिजन में। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, एच मैं 10 किलोमीटर ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो 6400 और 10 में बहुत छोटा है, तो एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। तो जो आर प्लस एच है ना, उसको मैं ऑलमोस्ट आर के इक्वल लिख लूंगा, इतनी स्मॉल वैल्यू है कि वो ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट आर के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जी एम ये आर है अपॉन आर, तो ये कैंसिल कर देते हैं, तो डेल्टा यू जी एम बच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एच रह गया, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो, चेक करो सही है। अच्छा ये जो एच था देखो, ये आर और आर कैंसिल हुआ था, हाँ ये देखो यहाँ पे फिर एच रहेगा ना न्यूमरेटर में, यहाँ मैं एच लिखूँ, एच नहीं लिखे थे, समझ में आ रहे अभी?
ये जब सॉल्व कर रहे थे तो ये आर और ये आर तो कैंसल हुआ था, एच बाकी रह गया था, एच लिखे नहीं थे, तो ये एच है, तो यहाँ पे भी एच रहेगा, यहाँ पे भी एच रहेगा। अब समझ में आ रहा है, एम जी एच आ जाएगा। तो इसको हम एम जी एच लिख सकते हैं ना। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी। जब हाइट बहुत कम होगी एज कंपेयर टू रेडियस तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इनिशियल और फाइनल वाला। गेटिंग इट? समझ में आया? ये एच ना यहाँ पे मैं लिखने भूल गया था, उसके लिए सॉरी। ये आर और आर कैंसिल किए थे, एच यहाँ पे नहीं लिख पाए थे, तो वो लिख दिए है। फिर वो एच यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा एच, यहाँ भी रहेगा, और फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि एच इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, जी एम एच या एम जी एच। किसी को कुछ डाउट है अभी ये डेरिवेशन में? एनी डाउट? तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, ये पवन एस्केप वेलोसिटी बोल रहा है कल से, तो अब वो पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी से पहले, अच्छा ओके ओके, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हम, जी एम एम और माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। फिर उसके बाद ये मैं लिख रहा हूँ माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। फिर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा यू माइनस जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी। ये जो डिनोमिनेटर आर स्मॉल आर इन्फिनिटी, और अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख दूँ, माइनस जी एम एम अपॉन जीरो, जीरो डिवीजन में है तो इसका वैल्यू रहेगा क्या? अगर डिवीजन में जीरो रहता है तो आंसर क्या आता है? अगर डिवीजन में जीरो रहता है तो आंसर जीरो आता है, और अगर डिवीजन में इन्फिनिटी रहता है तो इन्फिनिटी से भी डिवाइड करोगे तो जीरो, जीरो से भी डिवाइड करोगे तो जीरो। ऐसा पक्का? ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन। तो एक ब्रेकआउट सेशन लेते हैं, टीम बनी है क्या? एक ब्रेकआउट सेशन, ओके। तो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन वेरी ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू वेरी हो सकती है। किसकी वजह से? लैटिट्यूड की वजह से वेरी होगी क्या? लैटिट्यूड चेंज होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होगा। एल्टीट्यूड की वजह से वेरी होगा? शेप ऑफ द अर्थ की वजह से वेरी होगा? तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आएगा, है ना, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे को तो सिर्फ 25% स्टूडेंट का आंसर दिखा करेक्ट वाला। ये सोयश, अविनाश, ये दो स्टूडेंट करेक्ट आंसर दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक और पूछ लेते हैं, इजी वाला पूछू? तुम लोग रिवीजन कर नहीं रहे हो। अरे एस्केप वेलोसिटी पवन की आ भी गई। हाँ स्टार्ट करेंगे, एस्केप वेलोसिटी पढ़ाऊंगा अभी।
एक और क्वेश्चन पूछूं कि स्टार्ट कर दो एस्केप वेलोसिटी? चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेट ऑफ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट का फॉर्मूला mg होता है, राइट? तो वेट सेंटर पे जीरो, वेट और सेंटर पे जीरो होगा, मास क्या होगा? मास एट द सेंटर ऑफ अर्थ। चलो वेट की जगह ना ये क्वेश्चन जो आप अभी इससे पहले देखे इसमें वेट लिखा था, अब ये वेट को हटा के मास कर दो। मास ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, ऑप्शन से ही है, इनफाइनाइट, जीरो, सेम एज अदर प्लेसेस, ग्रेटर एट द पोल। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, तो बेसिकली वेट और मास में रिलेशन होता है। वेट क्या है? फोर्स है, ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। मास क्या है? कंटेंट इन द बॉडी, बॉडी में जो कंटेंट है वो। आप अर्थ पे हो, अर्थ तुमको ज्यादा जी से खींचती है ना, 9.8 से, ये अर्थ पे है तो वेट आपका यहाँ पे ज्यादा है। बट जब आप मून पे जाओगे तो मून तुमको कितनी फोर्स से खींचता है? 1/6 g/6, मतलब 9.8/6, कितना होता है ये? 1.5 समथिंग होगा क्या? तो ये जो अर्थ खींच रहे हैं ना, यहाँ पे आपका वेट कम हो गया, बट मास मतलब आपकी बॉडी में जो कंटेंट था, आप सब दोनों हाथ लेके गए, दोनों पैर लेके गए, कोई अपनी बॉडी का पार्ट अर्थ पे छोड़े नहीं थे ना, आप पूरे के पूरे वहां गए। तो ये जो आपकी बॉडी के पार्ट्स है, तुम्हारी बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स के को हम क्या बोलते हैं? मास। बट उस पे कितनी फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं वेट। तो वेट आपका यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे चेंज होगा बट मास नहीं चेंज होगा। ये समझ में आता है? वेट कैन चेंज यूनिवर्स में। आप जा रहे हो अलग अलग प्लैनेट पे, अलग अलग प्लैनेट पे जा रहे हो। हाँ, वी कैन फ्लाई, यस, ऑन मून, बट देर इज नो एटमोस्फियर। एटमोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एटमॉस्फियर। मास इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास मतलब तुम्हारी बॉडी में कितने पार्टिकल्स है। मून पे भी गए थे तो अपनी पूरे बॉडी के पार्टिकल्स लेके गए थे ना, कि हाथ हाथ काट के रख के चले गए थे। जब कुछ यहाँ पे रख के जाओगे, अपनी बॉडी का छोड़ के जाओगे कोई पार्टिकल, हाँ, तो ये वेट का मतलब होता है फोर्स। ये प्लैनेट अर्थ आप पे कितनी फोर्स लगा रहा है, मून आप पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ। अर्थ इतनी फोर्स एग्जर्ट कर रही है। गेटिंग इट? मास इज सेम एट एवरीवेयर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है। वेट बोल रहे हैं तो फोर्स है, मास बोल रहे हैं तो वो अलग है। वेट एंड मास आर डिफरेंट। वेट चेंज होगा यूनिवर्स की अलग अलग प्लेस पे जाओगे बट मास नहीं चेंज होगा। समझे? ये ठीक है। तो आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिए, फॉर्मूला कैसे आया आई होप तुमको समझ में आया रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे सॉल्व करना है, जो न्यूमेरिकल किए ना हम, अगर आप इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई है क्या जो इंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है?
कोई है यहाँ पे जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है नीट के लिए? हाँ, तो ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, ये फटाफट आपको करने आना चाहिए। ये बहुत बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ में आपको हेल्प मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके नीट की तैयारी हो रही है, सब हो रही है। तो 11th आराम करने का टाइम नहीं है, 11th में हमारे पास बहुत टाइम है, हम अच्छे से एक एक कंसेप्ट समझने वाले हैं, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। गेटिंग इट? थैंक यू, थैंक यू। ओ पवन कुमार, थैंक यू। हाँ, तो 12th भी अपन ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, 11th भी ऐसे ही, बट अभी तुम्हारा फोकस 11th पे रहना चाहिए, क्योंकि नीट में सब मिक्स रहता है, सिलेबस 11+12 दोनों आएगा, समझे? एनी डाउट? चलो ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी पवन कल पढ़ेंगे हम, एस्केप वेलोसिटी के बाद सैटेलाइट वगैरह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, कल सैटेलाइट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मे बी एक दो दो लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ट्राई करता हूँ, है ना? विथ न्यूमेरिकल क्विज ऑन विच टॉपिक? क्विज कल, कल का बोल रहे हो ना? हाँ, एक अनाउंसमेंट है, कल कितने बजे? ये अखिलेश नहीं आ रहे अभी आजकल। सैटरडे को कंपटीशन है अबाउट मोशन इन अ प्लेन है, मेरे ख्याल से मोशन इन अ प्लेन या लॉज, एक मिनट, हाँ मैं देख के बताता हूँ, 1 मिनट। वहाँ पे लिखा होगा किस पे है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लॉज ऑफ मोशन पे है। ओके ओके, हाँ तो लॉज ऑफ मोशन पे रहेगा। समझा ये? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लॉज ऑफ मोशन पे कल 1 बजे कंपटीशन है, 1 PM को आ जाओ जल्दी से कंपटीशन में। MCQ सीरीज पूछते हैं वहाँ पे, 10 से 15 MCQ पूछेंगे, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, कल करेंगे अपुन। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, 1 PM कंपटीशन शेड्यूल है यहाँ पे, चलो ठीक है।